गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी ग्लैम हब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको तो पता है, समर्स हैं, इतनी गर्मी हो रही है, बैंगलोर तो नॉर्थ को टक्कर दे रहा है। तो मैंने सोचा सारा जो समर वेयर है उसको बाहर निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, एंड जो भी विंटर वेयर है या फिर जो भी एथनिक पार्टी वेयर जो होता है, ग्रैंड एथनिक आउटफिट्स, उन सबको हटा के कहीं अंदर रखते हैं, एज उनकी नीड अभी नहीं है, उनको पहन भी नहीं सकते, देख के ही इतनी गर्मी लग रही है। तो बिफोर आई कीप देम ऑल इनसाइड, मैंने सोचा आप सबको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारे सुंदर आउटफिट्स हैं, एंड मैंने खुद से डिजाइन करके सिलवाया था। तो मैंने सोचा एक बार आप सबको दिखा देती हूँ, उसके बाद अंदर रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा पहला आउटफिट, जो के है अनियन कलर एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने अपनी एक साड़ी में स्टिच करवाया था। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा ये गाउन बनाया है, आप देख सकते हो नीचे इतना प्यारा सीक्वेंस का वर्क है, एंड ऊपर रेड है, अंदर बनारसी वर्क है। तो यह एक बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट सा गाउन स्टिच करवाया था। ये आप किसी भी ओकेशन में, ग्रैंड ओकेशन में पहन सकते हो। ये सिल्वर या ग्रे कलर का प्यारा सा गाउन, ये मैंने मटेरियल लेके खुद से बनवाया था बुटीक में, बट डिज़ाइन मैंने दिया था। ये थोड़ा सिंड्रेला टाइप गाउन है, ऊपर नेक पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसी है, एंड बाकी लाइनिंग दिया हुआ है, शाइनिंग लाइनिंग दिया हुआ है, एंड या 3/4 स्लीव्स है, 3/4 से थोड़े छोटे बनवाए थे, एंड यहाँ पे एक प्यारा सा बो है। तो बहुत ही फ्लेयर्ड, अंदर कैन भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो बहुत ही फ्लेयर्ड, बहुत ही प्रिटी गाउन है। इसको आप किसी भी रिसेप्शन में या संगीत में अगर पहनोगे ऐसा, तो बहुत ही गॉर्जियस लगेगा। बॉटल ग्रीन गाउन, ये वेलवेट मटेरियल में है, एंड वेलवेट पे बहुत सारा सीक्वेंस वर्क हुआ है। तो ये भी मैंने कपड़ा लेके स्टिच करवाया था। इसमें कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं किया, बिकॉज मटेरियल इटसेल्फ बहुत ग्रैंड है, तो इसको बस सिंपल एक प्लेन लॉन्ग गाउन बनवाया था। इसको मैंने अपनी शादी के मेहंदी फंक्शन में भी पहना था, बहुत ही प्यारा लगता है। इस पे अगर आप ग्रीन या ब्लैकिश ग्रीन कुछ ऐसा अगर दुपट्टा भी लेते हैं, तो भी नेटेड दुपट्टा अगर लेते हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगा। एंड इसपे कुछ या तो चोकर दे सकते हैं, या अगर आपके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो भी पहन सकते हैं। मैं इफ पॉसिबल अपना एक पिक्चर यहाँ पे छोड़ती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा। तो या ये भी बहुत ही प्यारा एक आउटफिट है। तो नेक्स्ट है ये गाउन अगेन, ये फिर से मैंने एक साड़ी में बनवाया था, बहुत ही सिंपल एंड लाइट वेट है। अगर आपको दूर से शायद ग्रैंड लगता हो, बट उतना ग्रैंड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको किसी भी इवन नॉट सो ग्रैंड ओकेशन में भी आप पहन सकते हो। इसके हाफ स्लीव्स बनवाए थे क्योंकि उतना कपड़ा था नहीं, तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर का लेस था उसको यहाँ पे फिट करवा दिया। तो या ये भी एक बहुत प्यारा सा गाउन है, नेटेड गाउन है। बहुत ही एलिगेंट सा ब्लैक गाउन, ये तो रेडीमेड था, मैंने नहीं स्टिच करवाया, बट फिर भी आई थॉट कि इसको भी दिखा देती हूँ। ये मैंने आई थिंक कमर्शियल स्ट्रीट से खरीदा था बैंगलोर में। तो ये बहुत ही प्यारा सिंपल येट एलिगेंट सा ब्लैक गाउन है, बहुत ही बड़ा फ्लेयर है, घेर है। किसी भी रिसेप्शन के लिए, स्पेशली नाइट टाइम के रिसेप्शन के लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप इसको सिलवाना भी चाहते हो तो बहुत ही ईजी है एंड सिंपल है, बिल्कुल प्लेन मटेरियल है, बीच में थोड़ा सा वर्क है, एंड ऊपर लेस लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट बोट नेक है।
तो या ये मैंने बहुत बार पहना है, बहुत सारे ओकेशंस हैं में, और सबको बहुत पसंद आया है ये। हमेशा जब भी मैंने पहना है सब ने पूछा है कि कहाँ से खरीदा। तो या ये बहुत ही प्यारा सा, वन ऑफ माय फेवरेट्स है। बिल्कुल एलिगेंट लगेगा, गॉर्जियस लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत ही क्विक एक छोटा सा वीडियो बनाया बिफोर आई कुड पैक देम ऑल। सो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।